भाजपा नेता राजीव कुमार सिंह और बिट्टू सिंह ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने हेतु बड़ा बयान दिया है। एटीएन लाइव पर बिट्टू सिंह ने कोरोना को लेकर कई तरह के सुझाव के साथ लोगों से अपील भी किया है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता बिट्टू सिंह को। हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस का ये जो इतना बड़ा स्वरूप फैला हुआ है, इसको लेकर के आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 8 बजे देश के नाम एक संबोधन आने वाला है। इस पहल पे सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी शुभकामना देना चाहता हूँ कि जब से कोरोना वायरस अपने देश के अंदर ही नहीं पूरे व्यापक पूरे विश्व के अंदर फैला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में कई देशों की एक साथ बैठक करके इससे लड़ने के लिए रणनीति बनाया। और बाहर तो बनाया ही, अपने देश के अंदर सारे सार्वजनिक स्थल को बंद किया, स्कूल को बंद किया, अस्पताल को बंद किया, बड़े बड़े भीड़ का जहां भी स्थान था इसको बंद करके लोग इकट्ठा ना हो पाए, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास वायरस फैले और इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए भारतवासियों से क्या करना चाहिए, इसके लिए भी देशवासियों से उन्होंने अपील करके गंदगी से बचने के लिए, हाथ को बार बार धुलने के लिए, गंदगी जगह पे छिड़काव करने, ऐसे तमाम उपाय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताने का काम किया है, जिस पहल पे हमारे देश के 130 करोड़ जनमानस उनके पहल पे आज अपने आप बचाव कर रहा है। और मैं इसके लिए, इस आह्वान के लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत जो है शुभकामना देना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना की लड़ाई से भारत विजय होगा, विजय होगा, विजय होगा।